दोस्तों, कैसे हैं आप? आज मैं फिर से आपके लिए एक नई रेसिपी लेकर आई हूँ जिसका नाम है मकई का टिक्का, जो खाने में बहुत ही टेस्टी होती है और आसानी से बन जाती है। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। अब हम एक कटोरी मक्का के दाने ले लेंगे और इसको दरदरा पीस लेंगे। अब देखिए, मैंने इसको दरदरा पीस लिया है। अब इसका मैं मिक्सचर बनाती हूँ। अब इसको हमने एक बाउल में डाल दिया है मिक्सचर को। अब इसमें एक कटोरी सूजी डाल लेंगे। और इसे अच्छी तरीके से मिला लेंगे। अब इसे हम थोड़ा सा पानी और मिलाएंगे। अब इसमें हम सबसे पहले एक दो हरी मिर्ची कटी हुई डालेंगे, थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे, एक गांठ अदरक की और एक छोटी सी प्याज। थोड़ा सा हम इसमें गरम मसाला डालेंगे, थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे इसमें, थोड़ी सी लाल मिर्चें डालेंगे, थोड़ी सी खटाई और थोड़ा सा नमक, एक चम्मच स्वाद अनुसार नमक। अब इसको हम अच्छी तरीके से चला लेंगे, मिला लेंगे। अब मैंने गैस पर कढ़ाई रख दी है और इसकी फ्लेम खोल दे रही हूँ और इसमें ऑयल डाल देती हूँ। अभी मिक्सचर तैयार हो गया, अब हम इसकी टिक्की बना लेते हैं। छोटी बड़ी जैसा साइज मन करे वैसा बना लो। मैंने इसकी टिक्कियां बना के रख ली हैं और देखते हैं कि ऑयल हो गया है या नहीं। हम एक एक करके इसे डाल लेंगे। बस इसमें इतनी ही आएंगी। अभी एक तरफ से पक गई है, अब इसको हम पलट देंगे और एक बार की पकने में इसे 5 मिनट लगते हैं। पहले तो हमने फुल पे डाल दिया था, अब इसको हम धीरे धीरे मध्यम आग पर पकाएंगे। अब ये अच्छे से पक गए, गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। आप इसे कभी भी बनाकर खा सकते हैं, सुबह चाय नाश्ते के समय भी खा सकते हैं और शाम की चाय के समय भी स्नैक्स के तौर पर बनाकर खा सकते हैं। इसको बनाने में 5 मिनट लगते हैं। अब मैं इसको निकाल लेती हूँ। एक बार के सिक्के तैयार हो गए, अब हम दोबारा भी डाल देते हैं इसको जो बचे हुए हैं।
बनाने में बहुत आसान होते हैं और खाने में बहुत टेस्टी होते हैं। अब ये एक तरफ से सिक गए हैं, अब इनको हम पलट लेते हैं। अब इसको आपको मीडियम कर देंगे, धीरे धीरे पकने देंगे। एक तरफ से सिक गए हैं, अब दूसरी तरफ से सिकने के लिए कर दिए हैं। अब मैंने इसकी आग धीमी कर दी है, अब ये धीरे धीरे आग पर जो है सिकने लगेंगे, जिससे ये करारे हो जाएंगे। अब ये कुरकुरे होने लग गए हैं, अब इनको भी मैं निकाल लेती हूँ। ये जितने कुरकुरे होंगे उतने ही अच्छे लगते हैं, बरसात के मौसम में ये ज़्यादा ही अच्छे लगते हैं। इसे चटनी से भी खाया जा सकता है, इसे चाय के साथ भी खाया जा सकता है, आप किसी भी रूप में इसे खा सकते हैं। अब हम इसको निकाल ले रहे हैं। अब ये सिक्कर बिल्कुल अच्छी तरीके से तैयार हो गए, देखिए कितने गोल्डन, कितने अच्छे लग रहे हैं देखने में। ये खाने में भी उतने ही कुरकुरे हैं जितने ये देखने में लग रहे हैं। अब एक कटोरी सूजी और एक कटोरी मक्का के दाने में ये 11 बने हैं। देखिए अब ये बनकर तैयार हो गए हैं। आप भी अपने घर में बनाइए और कमेंट कर मुझे बताइए कि कैसे लगे हैं। धन्यवाद।